क्लास में आज हम लोग शब्द निर्माण के अंतर्गत प्रत्यय के बारे में समझेंगे। प्रत्यय क्या होता है इसको जानने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा पे आते हैं। वे शब्दांश जो धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द के रूप को बदल देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम लोग दो प्रत्यय के बारे में देखते हैं कि किस तरह से शब्द निर्माण इसमें होता है। शब्द है, मूल शब्द है सुंदर, और दो प्रत्यय हैं ई और ता। अगर हम मूल शब्द सुंदर में ई प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बन जाता है सुंदरी। अगर हम सुंदर जो मूल शब्द है उसमें ता प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बनता है सुंदरता। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा कि जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदलते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत्य प्रत्यय। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि कृत्य प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि एक शब्द है सजावट, ये इसमें जो है आवट, ये जो आवट है ये है प्रत्यय और मूल शब्द क्या है सच। अगर हम सच में आवट प्रत्यय जोड़ते हैं, सच जो मूल शब्द है उसके अंत में अगर हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द क्या बन जाता है सजावट। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं इसे आप गौर से देखिए। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा विशेषण सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन से शब्द बनाते हैं, मूल शब्द में लगकर अंत में लगकर संज्ञा विशेषण सर्वनाम आदि के साथ। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द होगा इसमें संज्ञा विशेषण या फिर सर्वनाम, और उसके अंत में लगकर जो प्रत्यय नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे आपका मूल शब्द है भूख, यहाँ पे आप देखिए मूल शब्द है भूख और यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है आ। तो अगर भूख में आ यानी कि तद्धित प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो नया शब्द का जो बनता है वो शब्द है भूखा। इस तरह से हमने देखा कि प्रत्यय मूल रूप से मूल शब्द के अंत में लगता है और उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, और इसके दो प्रकार हैं कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जिसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण के साथ समझा है। अब आगे हम कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। कृत्य प्रत्यय, पठ जोर अन्य पठ निय, गप जोर बढ़िया गवैया, त्याग जोड़ की त्यागी, चल जोड़ आओ चलाओ,
खेल जोड़ अंगना खिलौना, झाड़ जोड़ ना झाड़न, मिल जोड़ आ मिलाप, बच जोड़ता बचत। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अन्य वैया ई आव औना नाव आप और तो, ये सभी कृत प्रत्यय हैं। आगे हम तद्धित प्रत्यय के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। बुरा जोड़ आई बुराई, घर जोड़ आना घराना, जेठ जोड़ आनी जेठानी, सोना जोड़ आ सोनार, मीठा जोड़ आस मिठास, कड़वा जोड़ आहट कड़वाहट, समाज जोड़ एक सामाजिक, धन जोड़ ई धनी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई आना आनी आर आस आहट इक और ई आपको तद्धित प्रत्यय है। इस तरह से आज के क्लास में हमने प्रत्यय के बारे में जो पढ़ा, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरणों को देखा। मेरा ख्याल है कि अब आपको हिंदी व्याकरण में प्रत्यय को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अभ्यास जारी रखेंगे।